बच्चों, आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताई। अरे, तो हमने कौन सी गलती की है जो राठी सर ये बात आज हमें बताने जा रहे हैं? बच्चों, हर चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं, यानी एक चीज को हम दो तरह से देख सकते हैं। हम तो हमेशा से ही चीजों को दो नजर से देखते हैं। हाँ, एक तेरी नजर से और एक मेरी नजर से। अरे, ये तो गड़बड़ हो गई। ये बीच वाली उंगली यहाँ से फंसा के खींच। और आज हमें किसी भी खराब चीज में से कोई अच्छी चीज बनानी है, यानी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। अरे, सब उलझ गया दोस्त। और जो ये करेगा उसे मिलेगी एक शानदार ट्रॉफी। राजू सर ने क्या टास्क बताया, कुछ समझ ही नहीं आया। बोला है किसी अच्छी चीज को और अच्छा करना है, मतलब बेस्ट आउट द बेस्ट। और इसी को तो हम बोलते हैं लल्लंताप। अरे यार, ये वेस्ट तो वेस्ट ही होता है ना, समझ में नहीं आता वेस्ट को बेस्ट कैसे बना सकते हैं। यू आर राइट, मैं तो वेस्ट चीजों में कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता क्योंकि आई एम द बेस्ट। मेरा टास्क तो समझो पूरा हो गया, अब देखो मैं इस वेस्ट को कैसे बेस्ट बनाता हूँ। राठी सर ने कहा था हर चीज को दो नजर से देखना है। अरे दो क्या, 10 नजर से देखेंगे। ये फुटबॉल मेरी और सभी बेस्ट टी दिख रही है। वही तो टास्क है, इस फुटबॉल को हमें और बेस्ट बनाना है। शाबाश, और जोर लगा। हम इसमें जितनी हवा भरेंगे ये उतनी ही ज्यादा बेस्ट हो जाएगी। अरे वाह ज्ञान, तुमने तो दूध कैन को पेन टैन बना दिया। लेकिन कलर गीला है, इसको कुछ देर धूप में सूखने देते हैं। अरे ये क्या है? ये तो पेंसिल स्टैंड लग रहा है। लेकिन मुझे तो ये जूस का कैन लग रहा है। ये देख, किसी ने इस कैन से पेन स्टैंड बनाकर वेस्ट कर दिया था। ये क्या कर दिया, वो मैंने बनाया था। अच्छा खासा जूस कैन को खराब कर दिया तूने। वो पेन स्टैंड मेरा टास्क था। हाँ, इस जूस कैन को जूस टैंक बनाता तो तेरा टास्क कंप्लीट होता। अब फिर से करना पड़ेगा। अब कौन सा टास्क करेंगे हम? अरे सिर्फ एक टास्क नहीं, अब हम स्कूल में इतने टास्क करेंगे कि राठी सर भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है या वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। ओए देख, तुबे सर का स्कूटर। चल इसको और बेस्ट बनाते हैं। अब बनेगी सर की स्कूटर और भी बेस्ट। एकदम लल्लंताप। अरे दुबे जी, आपको कार चाहिए थी तो हमें बोलना था ना, हम लोन का इंतजाम कर देते। स्कूटर को कार बनाने की क्या जरूरत थी? ये हमने नहीं किया सर। अरे शर्मा क्यों रहे हो दुबे जी, हम आपका कार लोन पास कर देते हैं। पार्टनर, तुझे नहीं लगता कि दादाजी का शरीर थोड़ा दुबला पतला है? क्योंकि वो दादाजी नहीं,
दादाजी का पुतला है। तो क्यों ना हम दादाजी को दुबे सर के जैसे स्ट्रॉन्ग मैन बनाए, फिर तो ट्रॉफी हमें ही मिलेगी। अब दादाजी कैसे खाते पीते घर के लग रहे हैं? हाँ, एकदम जीवा के जैसे। देखिए दुबे जी, अगर आप सीधे बैंक से लोन करवाओगे तो इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन स्कूल से लोन करवाओगे तो इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। सर, हमको कोई कार लोन नहीं चाहिए, हम तो कह रहे थे कि हमारी स्कूटर का हाल उन्होंने किया है। दादाजी, ये भी उनकी शैतानी होगी जिन्होंने हमारी स्कूटर को कार बनाया। दुबे जी, अब तो हमें पता लगाना ही पड़ेगा कि इसके पीछे कौन है। तुम लोगों में से आज सुबह किसी ने हमारे स्कूटर के आसपास किसी को देखा था? हाँ थेल। बताओ किसको देखा था? थेल आपको। चुप रहो। बुध और बद्री कहाँ है? सर, हमें क्या बता, हम तो सुबह से टास्क कंप्लीट करने में लगे हैं। इस बार इनका ऐसा पता लगाऊंगा कि ये दोनों लापता हो जाएंगे। तुझे ये दीवारें देखकर कैसा लग रहा है? ये तो मुझे हमारी किताब के पन्नों जैसी लग रही है, एकदम खाली। तो क्यों ना इस पर अपना होमवर्क कर दे। लल्लनटॉप आइडिया। बन गया ये अपना स्कूल। अब तो हमें ट्रॉफी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ओ, तो स्कूल की दीवारों को भी फिल्म के पोस्टर जैसे बना दिया है। इससे पहले ये स्कूल को सिनेमा हॉल बना दें, इन्हें ढूंढना होगा। आज तो बहुत ज्यादा काम कर लिया हम दोनों ने। हाँ, अब देखना, जैसे ही हम क्लास में जाएंगे सब हमारा स्वागत ऐसे करेंगे जैसे हम ही स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। अरे, मुझे इस वाटर कूलर को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि इसको भी बेस्ट बनाया जा सकता है? क्योंकि इसमें पानी की टूटी लगी हुई है जो बार बार खोलनी और बंद करनी पड़ती है। वाह दोस्त, तूने भी बिल्कुल वैसा ही सोचा जैसा मैंने सोचा। तो चल हो जा शुरू। अरे, इस टूटी से तो वाटर कूलर से निकलने के बाद भी पानी आ रहा। ये पानी टूटी से नहीं, वाटर कूलर से आ रहा है। अरे, ये पानी हमारी क्लास में चला गया तो हमारा सारा होमवर्क भीग जाएगा। अरे, हम होमवर्क करते कहाँ हैं जो भीगेगा। बेसर को पता चला तो वो हमें भिगा देंगे। चल, इस पानी का रास्ता बदल देते हैं। अरे वाह, इन पौधों में खुद पानी चला जा रहा है। वाह वाह वाह, क्या तरकीब निकाली है तुमने, मान गए। बोधर बद्री, क्या हो रहा है सब? अरे क्या हुआ दुबे जी, अब क्या कर दिया इन दोनों ने? सर, ये पूछिए का नहीं किया। हमारा स्कूटर, दादाजी का स्टैचू, स्कूल की दीवारें और अब ये हर तरफ पानी पानी, ये सब इन दोनों की ही है कहानी। सर, हम तो ट्रॉफी जीतने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि हमारा टास्क बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट था ना। सुना सर आपने, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। बस कीजिए दुबे जी, बच्चे हैं, कभी कभी समझने में गलती हो जाती है। तो सर, गलती की सजा दीजिए अब इन दोनों को। गलती की सजा हम जरूर देते इन्हें, लेकिन इनकी गलती से आज एक बहुत अच्छा काम हो गया है दुबे जी। अच्छा काम? और इनसे? हाँ दुबे जी, वो देखिए, कूलर का जो पानी वेस्ट हो जाता है वो इन्होंने पौधों तक पहुँचाने का आइडिया निकाला है। और देखिए ये पौधे पानी मिलने के बाद कैसे खिल उठेंगे। और ये सब बुध और बद्री की वजह से ही तो हुआ है। थैंक यू सर। हाँ, बात तो सही है,
ये आइडिया तो अच्छा है इनका। अब ट्रॉफी हमें ही मिलेगी, है ना सर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो कहते हैं ना कि जल है तो कल है। ललंटा।